गुड मॉर्निंग, आप सभी का नए ब्लॉग में स्वागत है। ये अभी हम मार रोड पे हैं। लास्ट वीडियो हमने यहीं पे एंड किया था। ये आप देखें मेरे पीछे भारत का झंडा रहे ऊंचा सर, ये भारत का झंडा है पीछे मेरे। यहीं से हमने लास्ट वीडियो एंड किया था। ये माल रोड का 2 किलोमीटर का पूरा सफ़र है, 2 किलोमीटर का पूरा रास्ता है। तो यहाँ तक रोपवे तक 1 किलोमीटर होता है और आगे अभी 1 किलोमीटर का और सफ़र है। इस वीडियो में हम देखेंगे अभी क्या क्या यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये पूरा हिसाब किताब यहाँ का आपको दिख रहा है। ये है माल रोड, यहाँ पे ये रिक्शा है। कहाँ तक जाते हो भैया? लाइब्रेरी गांधी चौक। लाइब्रेरी यहाँ से कितना दूर है? एक किलोमीटर। 1 किलोमीटर होगा। कितना पैसा लेते हो यहाँ पे? 100 रुपये। ये रिक्शे भी लेके जाते हैं भैया, ये देखिए 100 रुपये लेते हैं। लेकिन बहुत महंगा सा पहाड़ी है। नहीं जाना नहीं है, अभी जाना नहीं है। अभी तो मैं वीडियो बनाता हुआ जा रहा हूँ, फिर आपसे बात किया मैंने। यहाँ का हिसाब किताब, रिक्शे से आप जा सकते हैं। यदि आप बस से उतर के आते हैं तो यहाँ तक आपको पैदल आना पड़ेगा। यहाँ से ये रिक्शा शुरू होते हैं। ये रोपवे के बाद में रिक्शे हैं, जो जैसे उन्होंने कहा 100 रुपये का चार्ज करते हैं। और लाइब्रेरी चौक आगे, लाइब्रेरी चौक है सर, वहाँ तक ये ले जा छोड़ते हैं। तो आप रिक्शा भी ले सकते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास है। और ये माल रोड के नज़ारे आप देख ही पा रहे हैं, कितना खूबसूरत यहाँ का मौसम है। कितनी खूबसूरत यहाँ की ये वादियाँ हैं। हिल स्टेशन है, तो इससे आप हर तरह का इंजॉयमेंट कर सकते हैं। सुबह में देहरादून से आया था बस के द्वारा। देहरादून यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर है और बस जो है, सरकारी बस जो है, वो हमें तकरीबन 1 से 1.25 घंटे में, और कभी ट्रैफिक है तो 1.5 घंटा भी लग सकता है। क्योंकि मैं तो सुबह आया था, 9 बजे वहाँ से चला था, तो बल्कि 9 से ही पहले चल पड़ा था, तो इतना ट्रैफिक नहीं था, इसलिए
एक सवा घंटे में ही पहुंचा दिया था। 65 रुपीज़ किराया ये लोग लेते हैं, ये हिसाब किताब यहाँ का। अभी देखते हैं कितने दिन यहाँ स्टे होता है, आगे अपडेट करूँगा। अभी मैं तो आया हूँ यहीं पे बस स्टैंड पे ही, बिरयानी वाले भैया थे वहाँ से बिरयानी भी नाश्ते में मिल गई थी। वैसे आप इंस्टाग्राम पे यदि फॉलो करते हैं मुझे तो वहाँ आपको अपडेट मिलता रहता है लाइव, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेट आता है यूट्यूब पे, लेकिन इंस्टा पे आपको हाथों हाथ जो है अपडेट मिल जाता है क्या है कहाँ है कैसा कैसा है। आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम भी मेरा पिंक सिटी ट्रेवलर के नाम से ही है, जिस नाम से यूट्यूब है उसी नाम से इंस्टाग्राम है, और उसी नाम से फेसबुक का पेज भी है। ये भैया नीचे से आए थे इधर से उधर के, तो स्कूटी पे थे, ये हिसाब था। और ये पूरे माल रोड के नज़ारे हैं जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा मसूरी का माल रोड जिस पे अभी हम चल रहे हैं। इतनी गर्मी नहीं है आज, मई का 13 तारीख है, 13 मई है, मौसम अच्छा है, इतनी गर्मी नहीं है। यहाँ का टेम्परेचर कितना है दिखा देते हैं, शो करता है मेरे मोबाइल में। अभी यहाँ का टेम्परेचर ये आप देखें, मेरे मोबाइल से आपको मैं दिखा रहा हूँ, 26 है और 11:35 हुए हैं, तो दोपहर का टाइम है, तो 26 का टेम्परेचर अभी दिखा रहे हैं। तो अच्छा मौसम है, लेजेंड मौसम है यहाँ का, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और लास्ट वीडियो जो मैंने आपको हमने देखा होगा, नहीं देखा था देख लीजिए, इसी का पहला पार्ट है वो, क्योंकि माल रोड के ही दोनों वीडियो दिए थे, ये आगे का मैंने शुरू किया है। पिछला वीडियो जो था उसमें माल रोड पे शुरू करके हमने, और शुरू से वो बनाया था, तो ये दो पार्ट में हो गया, तो उसको आप ज़रूर देखें जिससे आपको पूरा समझ में आए हिसाब किताब यहाँ का जो माल रोड है। बाकी आप ये देखिए नज़ारे यहाँ के, हरियाली, ये पहाड़ और ये सब टूरिस्टों की भरमार यहाँ पे, टूरिस्टों के लिए जो चीज़ें चाहिए, होटल हो चाहे रेस्टोरेंट हो चाहे इधर से उधर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के साधन हो, उनकी भी भरमार है। टूरिस्ट भी आते हैं, पूरा हिल स्टेशन अच्छे पॉइंट भी यहाँ पर हैं देखने के लिए। ठीक है, हिसाब किताब आप देख पा रहे हैं माल रोड का, ये सिर्फ यहाँ पे रिक्शा चलते हैं, ऑटो नहीं देखे अभी तक, ये बाइसाइकिल रिक्शा है।
नज़ारों का लुत्फ उठाइए और ये सामने का व्यू दूर से आपको दिख रहा है। एक बात आपसे और शेयर करनी थी वो ये है, जैसे मैं ट्रेन से आया था जयपुर से सहारनपुर तक, तो एक नई चीज़ देखने को मिली। आपका कोई एक्सपीरियंस हो जरूर बताएं, और इसमें आपका कोई यदि आइडिया हो आपको नॉलेज हो तो मेरे को यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं जनरल की टिकट लेके जनरल के डब्बे में बैठा था, जनरल टिकट लेके, और ये कहीं गुड़गांव की बात है शायद। गुड़गांव में वो सवारी जो है कुछ आई थी, चार पांच लोग थे, और उन्होंने कहा कि हमारा रिजर्वेशन है। अब जनरल में रिजर्वेशन मैंने नहीं सुना था, तो मैंने उनको कहा जी मैं तो मेरी सीट नहीं छोड़ूंगा, और हमारे पास सीट है। उन्होंने बड़ा मैसेज दिखाया, सीट जब रिजर्वेशन उनको मिली हुई है हमें सीट तो छोड़नी पड़ेगी, लेकिन क्या ये सही है, क्या ऐसा होता है कि ये आप ज़रूर कमेंट करें, रिजर्वेशन ऐसा हो सकता है जनरल के डब्बे में रिजर्वेशन होता है। बोले कि कोरोना में ये शुरू किया था ऐसा फिर किसी ने बताया, अभी भी है या नहीं है क्या है ये 10 मई की बात है, 10 मई को मैं आया था, तो अपना कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आप कि ऐसा हो सकता है क्या कि जनरल में रिजर्वेशन होती है क्या। और ये आप माल रोड के नज़ारे देख पा रहे हैं अभी इस वीडियो में, अभी हम माल रोड पे चल रहे हैं। मिल जाए कि क्या है कैसा है, और ये नज़ारे बाकी आप देख ही पा रहे हैं इस वीडियो में। भैया ये
ये लाइब्रेरी चौक कौन सा रहेगा? वो सामने जाकर वाली है। अच्छा, वो सामने लाइब्रेरी चौक, सामने लाइब्रेरी चौक है जहाँ तक माल रोड चलता है। माल रोड लाइब्रेरी चौक को करना और फिर कोई रहने का देखेंगे यहाँ पर हिसाब किताब क्या बैठता है। ये पूरा हिसाब किताब यहाँ का है। आइए आगे चलते हैं माल रोड पे और देखते हैं आगे के लाइब्रेरी चौक। आगे लाइब्रेरी चौक सामने ही आते हैं। शानदार नज़ारे, शानदार किल के ऊपर हिसाब किताब जो है आपको दिख रहा है। नहीं स्कूटी नहीं चाहिए। स्कूटी वैसे कितने की दे रहे हो भैया? पूछ लेता हूँ स्कूटी कितने की दे रहे हो। स्कूटी सर भैया एंटॉक लोगे तो 800 रुपये है, एक्सेस लोगे तो 600 रुपये। एक्सेस 600 रुपये और एंटॉक गाड़ी है मैंने अप्लाई कर अभी एक हफ्ता हुआ निकले। अच्छा, कुछ 800। कितना टाइम के लिए देते हो? सुबह 8 से 8 के टाइम। 8 से 8 और डीजल पानी कुछ डाल के देते हो या अपना डाल? 1 लीटर देते हैं, बाकी आपको डालना। 1 लीटर है अभी नहीं चाहिए, अभी तो रिकॉर्डिंग किया। और ये यहाँ का व्यू पॉइंट है, फोटो खींच देते हैं। फोटोग्राफी के चल रही है यहाँ पे लोगों की। और ये कितने सुंदर नजारे ये देखिए। चलो आगे माल रोड पे चलते हैं। माल रोड तो ये है, आगे हम लाइब्रेरी चौक, लाइब्रेरी चौक पर चलते हैं जो सामने ही। भैया पीछे पूछ रहे थे ये कितने का आया GoPro 10। ये मेरे को भी आइडिया नहीं है क्योंकि मुझे मेरे बेटे ने गिफ्ट दिया है। कितने का आया, कितने के लेके आया, वो दुबई में रहता है बेटा, तो उसने वहाँ से वो लेके आया था जब लास्ट टाइम अभी वो आया था पीछे। तो ये इस GoPro से मेरा पहला ही वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले मैंने जो वीडियो किए हैं वो पूरे आपने देखे हैं, वो मोबाइल से थे। और ये पहला ही मेरा GoPro का है। ये पूरा हिसाब किताब आपने देखा इस वीडियो में। ये यहाँ पर लाइब्रेरी चौक सामने आ रहा है, वहाँ तक हम चलते हैं। और इसका बैटरी भी अभी 8-9% पर। टूरिस्ट आते हैं फुल आवाज़ में गाने बजाते हुए, फुल एंजॉय के साथ लोग तफरी करते हुए यहाँ पर जो है चल रहे हैं। ये पूरा लाइब्रेरी चौक का नज़ारा आप देख रहे हैं सामने आ गया है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।
ये लाइब्रेरी चौक का पूरा नज़ारा आप देख पा रहे हैं। 360 मैंने घूम के आपको दिखाया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।